इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। और आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, इंटरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान हो गया। अब से थोड़ी देर पहले काबुल में तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इस्लामिक अमीरात सरकार की घोषणा कर दी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि तालिबान के फाउंडर्स में से एक मुल्ला हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और इनके साथ दो डिप्टी पीएम बनाए गए हैं। एक है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरा है मौलवी हन्नाफी। आतंकी सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का नया गृहमंत्री बनाया गया है, जिसे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मानती है। और इसके अलावा मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। तालिबान की पूरी कैबिनेट पर आइए विस्तार से एक नजर डालते हैं, किसे क्या पोजीशन दी गई है, कौन सा आतंकवादी किस पद पर आ गया है। मुल्ला हसन अखुंद यानी अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री, ये नाम अहम है। मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री होगा और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होगा और साथ में होगा मौलवी हन्नाफी, ये भी उप प्रधानमंत्री होगा, यानी कि प्रधानमंत्री और उसके नीचे दो उप प्रधानमंत्री। इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी ये गृहमंत्री होगा। सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त काबुल को कंट्रोल करता है। सिराजुद्दीन हक्कानी आईएसआई के कहने पर चलता है और सिराजुद्दीन हक्कानी को पूरी दुनिया एक इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर जानती है। मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री होगा, मुल्ला अमीर मुत्ताकी ये विदेश मंत्री होगा और खैरुल्ला खैरख्वा इनसे सूचना मंत्री की पदवी दी गई है। मुल्ला हिदायतुल्ला को वित्त मंत्री बनाया गया है, मुल्ला अब्दुल हकीम को न्याय मंत्री, शेर अब्बास सानेकज़ई को उप विदेश मंत्री और जबीउल्लाह मुजाहिद जो कि प्रवक्ता है, जो सब कुछ ऐलान कर रहा था, वो अब उप सूचना मंत्री होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी कार्यवाहक सरकार के मंत्रियों की लिस्ट जारी की। तालिबान की कैबिनेट में हक्कानी समेत कई खूंखार आतंकवादी भी शामिल हैं, इसलिए इसे टेरर कैबिनेट भी कहा जा रहा है। तालिबान ने मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री पद के लिए उसका ऐलान किया, जो संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। अब आप एक एक करके तालिबान सरकार में शामिल लोगों की पूरी कुंडली देख लीजिए। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। मुल्ला हसन अखुंद तालिबान के रहबरी शूरा या सलाहकार परिषद का यह चीफ है। सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा का इसे करीबी माना जाता है और इसीलिए उसे प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री, तालिबान के चार संस्थापकों में से एक है। यह मुल्ला उमर का रिश्तेदार है और कई साल पाकिस्तान की जेल में भी रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद नाम होगा, ये अब अफगानिस्तान का गृहमंत्री होगा। ये पाकिस्तान के आतंकवादी समूह हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है, चीफ है और दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। इस पर कई मिलियन डॉलर का इनाम तक घोषित था। कई आतंकी हमलों का इसे मास्टरमाइंड माना जाता है। हक्कानी का नाम अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में है और अमेरिका ने इस पर $50 लाख का इनाम रखा हुआ है। मुल्ला याकूब जो कि अब नया रक्षा मंत्री होगा, यह तालिबान के पहले अमीर, तालिबान को बनाने वाले शख्स, मुल्ला उमर का बेटा है और तालिबान के मिलिट्री कमीशन का चीफ भी है। खैरुल्ला खैरख्वा ये अब नया सूचना मंत्री है और कई साल अमेरिका के ग्वांटानमो बे की जेल में ये कैद रहा है। मुल्ला अब्दुल हकीम हक्कानी ये न्याय मंत्री होगा और यह तालिबान के संस्थापकों में से एक है। मुल्ला अमीर मुत्ताकी जिसे विदेश मंत्री बनाया गया है, यह मुल्ला उमर के दौर में सूचना मंत्री रहा था। शेर अब्बास तानिकज़ई उप विदेश मंत्री की पदवी इनको दी गई है। भारत की आईएमए में इस शख्स ने पढ़ाई की है और सोवियत जंग के खिलाफ जंग भी लड़ी है। जबीउल्लाह मुजाहिद उप सूचना मंत्री जो कि कई साल से तालिबान का प्रवक्ता है। तो यह है आपके सामने पूरी कैबिनेट नई तालिबान सरकार की। तालिबान कैबिनेट का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद का, जिसे प्रधानमंत्री बनाया गया। तालिबान लड़ाकों के बीच मुल्ला हसन अखुंद एक लोकप्रिय नाम है। सभी तालिबानी आतंकी उसकी इज्जत करते हैं और यही वजह है कि मुल्ला हसन अखुंद को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता के तौर पर चुना गया। मुल्ला अखुंद इतनी रहस्यमयी शख्सियत है कि उसकी कोई तस्वीर तक आज तक सामने नहीं आई। मुल्ला हसन अखुंद पख्तून मूल का है, कंदहार में पैदा हुआ
तालिबान का फाउंडर मेंबर है, इस लिहाज से बहुत सीनियर है। तालिबान के रहबरी शूरा का इंचार्ज है और रहबरी शूरा को क्वेटा शूरा भी कहते हैं। जब तक तालिबान लड़ाई लड़ रहा था तब तक ये क्वेटा यानी पाकिस्तान के शहर में बैठकर ऑपरेट करते थे। तालिबान की सबसे ताकतवर काउंसिल होती है रहबरी शूरा। तालिबान के चीफ मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा का बहुत करीबी है। अखुंदजादा के साथ 20 साल रहबरी शूरा में इसने काम किया है और तालिबान में धार्मिक नेता के तौर पर इसकी पहचान है। पाकिस्तान के कई मदरसों में इसने रहकर पढ़ाई की है। लो प्रोफाइल रहकर काम करना पसंद करता है और तालिबान की सरकार में विदेश मंत्री रहा था जो 1996 से सरकार बनी थी। लेकिन ये शख्स भी यूनाइटेड नेशंस की टेरर लिस्ट में शामिल रहा है, अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री। तालिबान के इस कैबिनेट पर पाकिस्तान के ISI की छाप पूरी पूरी नजर आती है। पाकिस्तान के ISI के चीफ फैज हमीद आज भी काबुल में थे और उनके करीबी लोगों ने दावा किया कि अफगानिस्तान की केयरटेकर सरकार बनाने में उन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।